हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं अपना रूल नंबर 3, हाउ टू फाइंड पीआई का। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो जिसमें से हमारा रूल नंबर 3 है। ठीक है, रूल नंबर 4 की वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है, रूल नंबर 3 की मैं अब कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी, तो रूल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इफ आर एच एस इक्वल्स टू एक्स की पावर एम, वेयर एम इज पॉजिटिव इंटीजर, देन फॉर पीआई वी नीड टू चेंज एफ ऑफ डी एज 1 प्लस माइनस 5d इनटू एक्स की पावर एम। अगर हमारे आरएचएस में फंक्शन सॉरी आरएचएस में हमारा एक्स की पावर एम हो, ठीक है, और जो एम हमारा वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, उसके लिए अगर हमारा आरएचएस में एक्स की पावर एम है तो हमें पीआई निकालने के लिए एफडी को चेंज करना पड़ेगा। किसकी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? एफडी को 1 प्लस माइनस 5d की फॉर्म में, ठीक है, इनटू एक्स की पावर एम में। ठीक है, ये हमें चेंज करना पड़ेगा पीआई फाइंड करने के लिए। क्या चेंज करना पड़ेगा एक बार और, 1 प्लस माइनस 5d इनटू एक्स की पावर एम हमें एफडी को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम पीआई के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं, पीआई इक्वल्स टू एक्स की पावर एम, ये हमारा आरएचएस हो गया, जैसा मैं आपको पहले वीडियोस में बताता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, अपॉन एफडी। और आपको पता ही है कि पीआई के लिए आरएचएस के डिवाइड हम एलएचएस को ले जाते हैं, तो एलएचएस हमारा एफडी हो गया और एक्स की पावर एम हमारा आरएचएस हो गया। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 1 प्लस माइनस 5 इनटू एक्स की पावर एम में, जो मैं आपको भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके लिए दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं बायनोमियल एक्सपेंशन के, तो वो फॉर्मूले क्या हैं। ठीक है, तो दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, उन्हीं से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा 1 प्लस एक्स का होल इनवर्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमारा 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमारे दो फॉर्मूले हो गए जिनकी हेल्प से हम आगे प्रोसीड करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, देन यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन विल एक्सप्लेन 1 प्लस माइनस 5d डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ x। ठीक है, उसके बाद हम बायनोमियल एक्सपेंशन की मदद से, यही बायनोमियल एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले हैं, इसकी मदद से एक्सप्लेन करेंगे, और ये डिपेंड करता है पावर ऑफ x पे, टोटली डिपेंड करेगा पावर ऑफ x पे। ठीक है, x की पावर क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से संबंधित कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, हमारे आरएचएस में क्या है, x की पावर में समथिंग है ना, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन x की पावर में समथिंग है। ठीक है, x की पावर स्क्वायर है और यहाँ पे 7x भी है। ठीक है, तो x में जा रहा है, तो पहले इसका सीएफ निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, और मैंने आपको m से ही लेकर बताया है, कुछ लोग डायरेक्ट बता देते हैं लेकिन मैंने आपको m से लेकर बताया है, तो m से d को m से रिप्लेस कर देंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, हमारे पास रूट्स आ जाएंगे m स्क्वायर टू माइनस 1 और m स्क्वायर टू माइनस 9। ठीक है, अब ये हमारे पास रूट्स आ गए। अब मैंने आपको बताया था कि cf कैसे निकालते हैं। ठीक है, cf अगर हमारे पास दो रूट्स हैं और दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं तो कैसे निकालेंगे, तो cf हो गया हमारा c1 e की पावर माइनस x इसका और c2 e की पावर माइनस 9x इसका। ठीक है, दूसरे वाले रूट का। तो चलते हैं अपना अगले स्टेप पे, जो कि हमारा मेन स्टेप, जो कि हमारा मेन टॉपिक भी है और मेन मुद्दा भी कह लो। ठीक है, तो मेन टॉपिक हमारा फॉर पीआई। ठीक है, तो पीआई निकालेंगे, अब देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 ही हमारा आरएचएस पार्ट था। ठीक है, एफडी हो गया हमारा एलएचएस पार्ट, एफडी हो गया हमारा डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4। ठीक है, अब ये एफडी है, तो मैंने आपको बताया था एफडी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 1 प्लस माइनस 5d इनटू एक्स की पावर एम फॉर्म में। ठीक है, तो एक्स की पावर एम तो ये वाला फॉर्म बना देगा, 1 प्लस माइनस डी हमें इससे बनाना है। ठीक है, अब इसे इसमें 1 प्लस माइनस डी फॉर्म बनाने में एक मेथड है, तो इसमें कॉमन लेना पड़ता है हमें 1 प्लस माइनस 5d की फॉर्म में बनाने के लिए, अगर पहले से वो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही इसमें एफडी पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, हम d की सबसे कम पावर वाला कोफिशियंट देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे कम पावर किसकी है, d के कोफिशियंट की, यहाँ पे d की पावर क्या है, 0 है। ठीक है, जैसा आपकी आप लोगों को पता है कि किसी की पावर 0 होता है तो 1 होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो d की पावर 0। ठीक है, सबसे कम पावर इसकी है 4 की है। ठीक है, इसके कोफिशियंट 4 है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, बचा गया हमारे पास 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d बाय 4। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया तो बचा हमारा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d बाय 4। ठीक है, अब इसे हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो 1 बाय 4 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d बाय 4 का होल इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये वाला पार्ट, ये एक्स की पावर एम का काम करेगा इसमें। ठीक है, एक्स की पावर एम का रोल करेगा। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला बन रहा है ना, 1 प्लस 5d का फॉर्मूला बन रहा है और होल इनवर्स है। ठीक है, तो 1 प्लस 5d
इंटू एक्स की पावर एम का रूल ये कर रहा है, ठीक है। अब वन प्लस एक्स का होल इनवर्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है किसमें, इसमें वन प्लस डी स्क्वायर प्लस फाइव डी बाई फोर का होल इनवर्स में, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, हमारे पास है वन बाय फोर ब्रैकेट स्टार्ट वन माइनस ब्रैकेट स्टार्ट डी स्क्वायर प्लस फाइव डी बाई फोर ब्रैकेट क्लोज प्लस डी स्क्वायर प्लस फाइव डी बाई फोर का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इनटू में इसके क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर ऊपर डी होगा डिनोमिनेटर में डी होगा तो डिफरेंशिएशन होगा, और न्यूमरेटर में डी होगा तो डिफरेंशिएशन होगा, डिनोमिनेटर में डी होगा तो क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि पावर क्या है, तो उतनी बार डिफरेंशिएशन होगा उतनी बार ही इंटीग्रेशन होगा, डिपेंड करता है न्यूमरेटर की डी की पावर पे और डिनोमिनेटर की डी की पावर पे, ठीक है। तो हमने इसे अंदर मल्टीप्लाई करा जो कि वन बाय फोर ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन माइनस वन बाय टू, ठीक है। अब वन बाय टू कैसे है, इसे हमने मल्टीप्लाई करा डी स्क्वायर था, डी स्क्वायर मतलब डबल डिफरेंशिएशन। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पहली बार डिफरेंशिएट करा तो क्या आया टू एक्स प्लस सेवन आया, दोबारा डिफरेंशिएट करा तो टू आ गया, ठीक है। तो ये हो गया टू बाय फोर माइनस पहले से बार है, अगर हमने इसे सेपरेट कर दिया तो क्या होगा माइनस वन बाय टू हो गया, ठीक है। तो माइनस वन बाय टू प्लस फाइव बाय फोर डी, अब फाइव बाय फोर डी है, डी मतलब एक बार डिफरेंशिएट, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करा तो ये हो गया हमारा टू एक्स प्लस सेवन, ठीक है। फाइव बाय फोर इंटू टू एक्स प्लस सेवन प्लस, अब इस वाली टर्म को देखिए ये होल स्क्वायर है, अब होल स्क्वायर तो हम पूरा नहीं खोल सकते क्योंकि पावर इससे ज्यादा हो जाएगी तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन तक ही हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, तो हमने डबल डिफरेंशिएशन तक ही खोला है, तो डबल डिफरेंशिएशन खोला हमने, ठीक है। तो इसका आ गया 25 डी स्क्वायर बाय 16, हमने इसे पूरा नहीं खोला, हमने देखिए कि कौन सी टर्म का डबल डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, इसका होल स्क्वायर खोल के, ठीक है। तो ये हो गया 25 डी स्क्वायर बाय 16, तो हमारा आंसर आता है 1 बाय 4 इसे सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन माइनस वन बाय टू प्लस फाइव बाय फोर इंटू टू एक्स प्लस सेवन ब्रैकेट क्लोज प्लस 25, ठीक है। अब डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है ना इसका, तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। 25 इंटू 2 बाय 16, ठीक है। अब 2 से 16 कैंसिल आउट हो गया तो 1 बाय 8 हो गया, अब 25 बाय 8 हमारा इसका फाइनल आंसर बचा। अब फाइनल हमारा पीआई आता है 1 बाय 4 ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन माइनस 1 बाय 2 प्लस 5 बाय 4 ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 25 बाय 8, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल पीआई आता है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन हमारा डी माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट स्टार्ट e की पावर 2x प्लस साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो पहले हमें इसे रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए मैंने डी को एम से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो एम से रिप्लेस करके हमारे रूट्स आ गए, तो रूट्स हमारे क्या आ गए 2 और 2, ठीक है, क्योंकि दो पावर है तो दो ही रूट्स आएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। कुछ बच्चे इसे खाली एक रूट 2 ना लिख दें वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा सीएफ का, ठीक है। तो सीएफ आ गया हमारा, अगर मैंने आपको बताया कि कॉमन रूट्स या इक्वल वैल्यू रूट्स आते हैं, ठीक है, तो हमारा सीएफ कैसे लिखते हैं, सीएफ इज इक्वल्स टू सी वन प्लस एक्स सी टू इंटू ई की पावर 2x, ठीक है। ई की पावर 2x ही हो गया, सी वन प्लस एक्स सी टू इसका हो गया, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक है पीआई निकालना, अब इसका पीआई देखते हैं। 8 हमने कॉमन ही रहने दिया, ठीक है। अब e की पावर 2x अपॉन d माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगा जो हमने स्टार्टिंग में पीआई के रूल्स के टाइम पे बताया था, और ये साइन 2x अपॉन d माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग होगा। इसमें बेसिकली मैक्सिमम रूल्स कवर हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने क्वेश्चन चूज करा है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर अपॉन d माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इसी वाले मेथड से होगा, रूल नंबर 3 के मेथड से, ठीक है। तो 8 बाहर ही रहने दिया। अब इसका मैंने बताया था कि इसका क्या करते हैं, हम एक्सपोनेंशियल डी इज इक्वल्स टू ए से रिप्लेस करते हैं ना, और वो देखते हैं कि जीरो आ रहा है, जीरो नहीं आना चाहिए हमारे डिनोमिनेटर में, अगर जीरो आ गया तो हम डिफरेंशिएशन करके जुगाड़ बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ एक बार, तो यहाँ पे एक्स ई की पावर 2x आ गया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 रख देंगे तो कैंसिल आउट होगी, जीरो आ जाएगा, तो हमें जीरो नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो इसीलिए हमने एक बार डिफरेंशिएट करा तो हो गया एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2d, ठीक है। अब ऐसे इसका करा साइन 2x अपॉन d माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब मैं साइन ax प्लस बी स्लैश कॉस ax प्लस बी वाले फॉर्मूले में बताया था कि इसमें क्या करते हैं, डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं किससे, माइनस ए स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया 2 हो गया, माइनस सॉरी ए की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, अब माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया माइनस 4 हो गया,
ठीक है, तो हमने इसे खोल लिया तो हो गया डी स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर डी, और इसको एस टी एस लिख दिया क्योंकि अभी इसे भी खोल लिया सॉरी, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर डी। ठीक है, एक हमने कॉमन रहने दिया एक्स ई की पावर टू एक्स बाय फोर, इसका तो काम खत्म हो गया, बचा इसका। ठीक है, साइन टू एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर डी, मैंने बताया था इसको हम डी स्क्वायर की जगह हम माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, तो डी स्क्वायर हमारा क्या है, डी स्क्वायर एक है। ठीक है, अब इससे मैं माइनस फोर रख दिया, माइनस फोर रख दिया तो माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल हो गया, हमारा बचा माइनस फोर डी जो कि साइन टू एक्स अपॉन माइनस फोर डी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर डी, अब मैंने आपको बताया था इसमें वन प्लस माइनस फाइव डी की फॉर्म बनती है, तो सबसे लीस्ट पावर किसकी है, फोर की है, तो फोर कॉमन ले लिया, पिछले वाले क्वेश्चन में फोर कॉमन आया था। ठीक है, इसमें भी फोर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ब्रैकेट स्टार्ट है वन प्लस डी स्क्वायर माइनस फोर डी बाई फोर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो फोर कॉमन ले लिया तो एट ब्रैकेट स्टार्ट एक्स ई की पावर टू एक्स अपॉन फोर, इसका तो काम हो चुका था। अब नीचे डी है, अब मैंने आपको बताया था ऊपर डी होगा तो डिफरेंशिएट होगा, नीचे डी होगा तो इंटीग्रेट होगा, नीचे डी है एक बार इंटीग्रेट कर दिया, एक बार इंटीग्रेट करके क्या है साइन टू एक्स का डिफरेंशिएट सॉरी साइन टू का साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टू एक्स हो गया। ठीक है, माइनस कॉस टू एक्स बाय टू हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस कॉस टू एक्स बाय फोर इंटू टू, इसका टू नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो प्लस वन बाय फोर, इसे हम ऊपर ले गए तो ये हो गया हमारा वन प्लस डी स्क्वायर माइनस फोर डी बाई फोर का होल इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स की पावर एम का रोल करेगा। ठीक है, तो एक्स की पावर एम का रोल ये कर देगा, तो एट इंटू एट सॉरी एट हमने कॉमन ही रहने दिया, तो ब्रैकेट स्टार्ट एक्स इंटू ई की पावर टू एक्स बाय फोर प्लस कॉस टू एक्स बाय एट प्लस वन बाय फोर ब्रैकेट स्टार्ट वन माइनस डी स्क्वायर माइनस फोर डी बाय फोर का हमने फॉर्मूला खोल दिया इसका होल इनवर्स का। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, वन प्लस प्लस वन प्लस डी का फॉर्मूला बन रहा है ना, वन प्लस डी का होल इनवर्स सॉरी वन प्लस एक्स का होल इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमारा वन प्लस एक्स का होल इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, मैंने इसे ज्यादा एक्सपेंड नहीं करा है क्योंकि मेरे को पता है ये यहीं तक समाप्त हो जाएगा, आगे डिफरेंशिएशन का पॉसिबल नहीं होगा, तो मैंने इसे यहीं तक खोला है। ठीक है, आपकी मर्जी है, वैसे दो टर्म तक खोल लीजिएगा ताकि आपसे गलती ना हो, तो वन माइनस ब्रैकेट स्टार्ट डी स्क्वायर माइनस फोर डी अपॉन फोर ब्रैकेट क्लोज प्लस डॉट डॉट इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर इसे सॉल्व करके आता है टू इंटू एक्स ई की पावर टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स प्लस टू इंटू सॉरी टू इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई फोर जो कि कैंसिल आउट हो गया, वन बाय टू हो गया माइनस का। ठीक है, और एट एक्स बाय फोर ये टू हो गया, फोर से कैंसिल आउट हो गया ना एट, तो ये टू एक्स हो गया प्लस टू। ठीक है, अब इसे हमने पूरा फाइनल लिख दिया तो ये हो गया टू एक्स इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारा कट गया टू बाय टू हो गया तो ये कट गया हमारा। ठीक है, प्लस फोर एक्स प्लस फोर, हमारा फाइनल आंसर आता है टू एक्स ई की पावर टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस फोर एक्स प्लस फोर, क्योंकि ये टू अंदर मल्टीप्लाई हो गया ना तो इससे टू कैंसिल आउट हो गया, हमारा फाइनल पी आई हो गया टू इंटू एक्स की पावर सॉरी टू इंटू एक्स इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस फोर एक्स प्लस फोर। इसी के साथ अपनी वीडियो खत्म करते हैं, आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड पी आई बेस्ड ऑन रूल नंबर फोर, नाउ यू विल बी एबल टू फाइंड पी आई बेस्ड ऑन रूल नंबर फोर। If you like the video, please subscribe the channel and press the bell notification icon for getting instant updates on engineering mathematics. Thank you.